वो वही है जी, देखो जै की टिकट कटा है ना बैंको काल जो तो फड़के ही है। हाँ, इब चलो गौतम की कट गई, इब के गौतम को काल जो फड़के हो, मेरो पांच साल पहला कर फड़क लियो, फड़कनो अच्छो हुए है ना, कोई बात को नहीं, पर जो कैंडिडेट आ जाए उसके सगे लागनो ही पड़ेगा। कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं जी, एक आधा भाई नाराज है वो भी मान गया काल। नलवा लका वाले ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेता जो है वो बरवाड़ा वाला छीन के ले गए। यहाँ से कमल खिलेगा रणवीर भाई, हजारों वोटर से जीत के निकलेंगे यहाँ से, इन लोगों का बड़ा प्यार। कमल तो ऊपर मोदी बैठे, इनकी सबकी गोड़ती नुआ होगा छोटे को। जो हम सोच रहे थे वैसा ही कैंडिडेट हमें मिला है। अच्छा। तो हम पूरी जोर कोशिश करेंगे पूरे। हाँ जी, और बीजेपी तो वैसे जीत के निकलती है हर बार दामसुगांव से, और इस बार तो और बड़ी के जीत मिलेगी जी। और बैकवर्ड में तो इस वर्गो तो नरम आदमी को नहीं, बाँ पकड़ के अपने व्यक्ति में, अपने बेटे में और आम आदमी में अंतर नहीं समझते। अरे संगठन अच्छा करे, देखो उसमें क्या है, हम सबकी भलाई है, हम जोर मारा और जोर मारे बाद में हार जाए तो गलत है। तो नलवा से भी आप भी पहले तो टिकटार थी, आप भी थे, आप भी चुनाव लड़ने की, चूंकि एकदम से मन क्यों बदला, क्या लगा कि भाजपा में भाई दाल गलने वाली नहीं, टिकट तो मिलना नहीं? ना ना ना, मैं तो पहले जब मैं नलवा से तैयारी कर रहा तो ना, तो भारत माता की जय सबसे ज्यादा मेरी बोल लेड़ी है। अरे ये भी ढके ही है गणखरे, एक पंडित जी और से पूछ भी ले। लेकिन जब तो फिर रणबीर जी आ गया, रणबीर जी नरम आदमी है, जब ही हम सारा उरा इकट्ठा होके आ गया, ये बुरा जिताऊंगा। अच्छा। हाँ, रणबीर जी ने उरे से जिताऊंगा, ये देख लो ये सारा का सारा, ये हाथ खड़ा करियो भी, एक बार कैमरा घुमा भाई, ये देखिए दो मठा दे कोई फंड उठा दो। हाँ, तो जैसे कि इसी के साथ बरवाला के साथ उकलाना भी है, और वहाँ से जेजीपी से विधायक मंत्री भी रहे, अनूप जी पार्टी बदली और पार्टी के बदलने के साथ साथ पटका के साथ टिकट भी पकड़ा दी। वो देखो वो तो संगठन का है, मिल गई पार्टी का काम है भाई वो, पर हम तो उकलाना में भी कोई मिलेगा ना तो मदद करांगा भाई। अच्छा। हाँ, सारे मदद करांगा। तो आप हिसार के नागरिक हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे हिसार में क्या होगा, कमल खिलेगा इस बार या डगमगाने वाला है? नहीं, कमल तो खिलना ही है जी, कमल तो ऊपर मोदी बैठे, इनकी सबकी गोड़ती नुआ होगा छोटे को। यह है थोड़ा सो बेरो मैं बताऊं क्या हुआ है, एक भावना हुआ है, और अभी तो चुनाव निखार पाओगा जी, भी कैंडिडेट आऊंगा। आपने कमाल कर रखा वैसे। हाँ। कल तो जिंदल हाउस बैठ के सावित्री जिंदल को निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करवा दिया, बोला जी मैदान में कूदो, आज कह रहे ही कमल खेलेगा ये। नहीं, हमने हमने माता जी के सामने पक्ष रखा, भाई माता जी आप ना निर्णय लो, और निर्णय लेने के बाद में उन्होंने अच्छी बात कही, भाई मैं जन भावनाओं को देखते हुए बात करूंगी। और शाम ने डॉक्टर कमल गुप्ता जाके उन्होंने मीडिया से बात करते, तीन बार मैंने सवाल पूछे, आप चुनाव लड़ेंगी ना, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी जुबान के धनी थे, एक बार बोल दिया तो स्ट्रिक जवाब देते थे, कह दिया तो कह दिया, क्या आपकी भी वही है, बोला जी हमें चुनाव लड़ूंगी, और आप लोगों ने जोर देके उनको मैदान में उतारा ना? अभी देखो उनका निर्णय आना है, अभी हमने पूरी रिक्वेस्ट करी है, और हमारा देखो बनता भी है भाई, हम पार्टी संगठन के आदमी तो हम ही हैं असली। अच्छा। हाँ, जो जो सच्ची बात कहवा, इब कौन सो टिकट मांगनी हो वो तो कह देगो ना भाई सब ठीक है, सब ठीक। मतलब ये था क्या कल, पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए, कहीं ना कहीं विरोध दिखाया जाए, इसीलिए वहाँ पे इतने तादाद में इकट्ठे होके हाँ चुनाव लड़ेंगे भाई, ये तो अगर इस तरह के हालात पार्टी के होंगे तो? नहीं, वैसे देखो कड़े जावांगे आखिरी में, फिर बात तो वही है ना, जो पार्टी की बात आओगी तो साथ तो देना पड़ेगा, लेकिन हमारी भावनाएं थी, जन भावनाएं आप देख रहे थे, सारे लोग तैयार थे। अब देखो जन भावना यहाँ रणबीर जी आऊंगा, ये देखियो पूरे सपट्टो उठा देंगे हम। अच्छा। इस एरिया में सारा देखियो बहुत बढ़िया जीत, और बैकवर्ड में तो इस वर्गो तो नरम आदमी को नहीं, बाँ पकड़ के बोलू कुछ तो चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वफादार दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे हिसार में तरुण जैन ने कोशिश थे, वो बोले मैं भी चुनाव लड़ूंगा, आपके साथ ही पुराने गौतम सरदाना वो भी कह रहे हैं भाई जनता कहेगी तो, और जनता कह रही है उतरो उतरो, क्या लगेगा इस बार माहौल? वो वही है जी, देखो जै की टिकट कटा है ना बैंको काल जो तो फड़के ही है। हाँ, इब चलो गौतम की कट गई, इब के गौतम को काल जो फड़के हो, मेरे पांच साल पहला कर फड़क लियो, फड़कनो अच्छो है ना, कोई बात को नहीं, पर जो कैंडिडेट आ जाए उसके सगे लागनो ही पड़ेगा रहे। और फिर एक बात और है, अपन तो मोदी को देखना है, देश के सर्वांगीण विकास खातिर यार हमने सारा कुछ छोड़ के ये उन्हें बुला के, और कोई बात को नहीं, जैने मिल गई वह के सगे लागनो पड़ेगा, माता जी आदेश करेंगे तो लाग जाएगा। रणवीर गंगवा नलवा से विधायक थे, डिप्टी स्पीकर, इस बार यहाँ बदल दिया गया कि इधर से चुनाव लेने, तो आप मतलब स्टार प्रचारक बन के यहाँ पे बरवाला में घुसने वाले हो पूरी तरह से? 100% आप देखो, मैं आपको एक बताऊँ, आंकड़ा बताता हूँ जी।
तलुंडी राणा में चौधरी रणजीत सिंह आए कौन थे, 540 वोटा से जीते थे चौधरी रणजीत सिंह, यानी कमल का फूल जीता। इब कह मैं आपने कहूँ 1240 से ना जीता तो चैलेंज करूँ, ये देखे ये चेहरे खड़े ये रहे। बरवाला में कितने उससे मार्जन से हार जीत होने वाली है इस बार? बरवाला में देखो अच्छे वोटों से जीतेंगे रणजीत जी, अपने रणबीर गंगवा जी। और मैं आपने एक बात और बताऊँ, ये तो जहाँ जान लाग रहे हैं ना, लोगों का अपार स्नेह मिलन लाग रहे हैं, नरम आदमी है, और भाई जद मर्जी पकड़ लो कोई दिक्कत को नहीं। आपने तो तलुंडी व जमीन है बड़ी, मैं तो कहो उरे एक छान गलवा देगा थारी और बड़ी बाजन दे लाठ वाल और के दिक्कत है, बहुत बढ़िया माहौल है। मैं भी रास्ता में पूछ तो आया हूँ एक दो जगह, अरे वहाँ के रहोगो तो सारे पॉजिटिव आदमी है, और परमात्मा की दया से जो ना राम भी देख ले कितना बढ़िया मौसम बना रखे है ना, तो इसलिए सारे गोलू भाई जी हिसार से बिलोंग करते हैं, मैं भी वैसे हिसार से बिलोंग करता हूँ, हमारा बेसिक गांव बरवाड़ा है, हमने हिसार में कमल गुप्ता जी की टिकट जब मिली उनको जितवाया, गौतम सरदाना जी की टिकट मिली तब भी हमने बढ़ चढ़ के का साथ दिया, गोलू भाई जी भी हमारे साथ रहे, और ये एनडीपी सोनी जी भी हिसार से आए स्पेशलिस्ट काम के लिए, तो रणवीर गंगवा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, नलवा में काफ़ी विकास कार्य किए हैं, जो भी सुख दुख में कोई गरीब आदमी इनके पास गया आधी रात को भी गया तो आधी रात को भी इनका इन्होंने इनकी हेल्प किया, तो हम तो इसलिए आए हुए हैं, हमारा बेसिक गांव भी है बरवाला, हम चाहते हैं कि यहाँ इस गांव से जितने भी हमारे पारिवारिक लोग हैं मिलने जुलने वाले लोग हैं सब रणवीर जी का सहयोग करें और रणबीर जी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जितवाएं, तो हमारा सारा परिवार यहाँ आया हुआ है, हमारे बड़े भाई साहब हैं मदन सरदाना जी ये भी आए हैं। हाँ जी राम बरस के। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल राम बरस के, भगवान की बड़ी मेहर है। अच्छा। और यहाँ से कमल खिलेगा रणवीर भाई, हजारों वोटों से जीत के निकलेंगे यहाँ से, इन लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह। ये भाई साहब दानसू से है सुरेश जी, ये स्पेशल आए हैं इसलिए बोले जी, मतलब जो है ना मैं भी साथ चलूंगा, जो है ना वोट स्पोर्ट हर लिहाज से जो है ना रणबीर जी के साथ हैं। जी, सही बात है जी। हाँ जी पक्का जी। जी अच्छा। ये सुनील जी क्या मानते हैं हालात क्या होंगे इस बार? नहीं बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं जी हमारी। अच्छा। हाँ जी अच्छा। जो हम सोच रहे थे वैसा ही कैंडिडेट हमें मिला है। अच्छा। तो हम पूरी जोर कोशिश करेंगे पूरे। हाँ जी दानसू, और बीजेपी तो वैसे जीत के निकलती है हर बार दानसू गाँव से, और इस बार तो और बड़ी की जीत मिलेगी जी। ये लग रहा है कि कोई मुकाबला नहीं होगा गंगवा जी का किसी के सामने, मेरे को तो यूं लग रहा है कि मैदान खाली है और एक तरफा फैसला आएगा पब्लिक का। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि नलवा हल्का के अंदर जो इन्होंने 5 साल लगातार बीजेपी में काम किया और 5 साल इनेलो में काम किया, आज भी नलवा हल्का वाले ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेता जो है वो बरवाड़ा वाला छीन के ले गए। तो हाँ, तो इतने बढ़िया नेता, इतने बड़े मिलनसार है, अपने व्यक्ति में अपने बेटे में और आम आदमी में अंतर नहीं समझते। तो यहाँ से कमल खिलेगा इस बार बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे विधानसभा। आप क्या कहेंगे कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल जी बिल्कुल खिलेगा। अच्छा। जो भी बोल रहे थे गोलू ने बोला इन्होंने, ये सब वो यही की बात है। अच्छा। सब कोई है नहीं इनके मुकाबले में। अच्छा, आप बताइए क्या मानते हैं, कमल खिलना तय है या किंतु परंतु है? कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं जी। एक आधा भाई नाराज है वो भी मान गया कल। अच्छा, मान गए मान गया। अच्छा। सारे थे मना लिया और